मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। वे 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद से एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे। उन्हें उस समय हार्ट अटैक आया जब वो दिल्ली के एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव की यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक्ड हैं। बॉलीवुड और टीवी गलियारों में मातम पसरा है। किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं है। सोशल मीडिया पर नम आंखों से फैंस और सेलिब्स कॉमेडियन को याद कर रही हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। वो चेहरा जो हमेशा हंसता हुआ नजर आता था, चाहे टीवी स्क्रीन हो या सोशल मीडिया अकाउंट, अपनी शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर की बदौलत करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले राजू का यूं अलविदा कह जाना शॉकिंग है। राजू श्रीवास्तव इंडस्ट्री का जाना माना नाम थे। उन्होंने कई फिल्मों में और शोज में काम किया। रियलिटी शोज में भी राजू ने पार्टिसिपेट किया था। राजू को मगर पहचान मिली कॉमेडी शो से। आपको बता दें, राजू ने एक बार सक्सेस की ओर कदम बढ़ाया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू श्रीवास्तव एक्टर कॉमेडियन होने के साथ साथ नेता भी थे। वो बीजेपी से जुड़े थे। राजू का बिना किसी गॉडफादर के इतनी सफलता को हासिल करना वाकई में इंस्पायरिंग है। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दिए थे। वे एक अच्छे कलाकार थे। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद सभी लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बड़े बड़ी हस्तियां ट्वीट कर उन्हें याद कर रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और इसी के साथ साथ सीएम योगी के सहित कई राजनेताओं ने उन्हें याद किया।